नमस्कार। देश स्वाधीनतार 75 वर्ष अवसर में केन्द्र सरकार के पक्ष आजादी का अमृत महोत्सव पालन करा तो ए अवसर में ओडिशार 6 जन महान स्वाधीनता संग्रामी विशेष सम्मानार्थे केन्द्र डाक विभाग पक्षर आज स्वतंत्र लफाफा उन्मोचन करा जो लफाफे 6 जन स्वाधीनता संग्रामी फोटो कार्यक्रम डाक विभाग पक्षर अनुष्ठित हो जो थे कि केन्द्र शिक्षामंत्री धर्मेन्द्र प्रधान एवं केन्द्र दूरसंचार मंत्री अश्विनी वैष्णव उपस्थित रही नुआ दिल्ली वर्चुअल मोड्रे ये लफाफार उन्मोचन करेंगे। आ सबुठ गुरुत्वपूर्ण कथा हूँ जो 6 जन विशिष्ट स्वाधीनता संग्रामी फोटो थी ये लफाफा उन्मोचन करा से जो मैंने दायद रही जो मैंने वंशधर रही सहित वर्चुअल मोड्रे रही कथा हे दुई केन्द्रमंत्री। तो ये एक विशेष कार्यक्रम ओडिशार देशर स्वाधीनता संग्राम रे विशेष अवदान रखि ओडिशार 6 जन वीर स्वाधीनता संग्रामी को सम्मानित करिवार तो केन्द्र सरकार आजादी का अमृत महोत्सव जिते बड़े पालन करुछंती तो ओडिशा माटीर वीर स्वाधीनता संग्रामी मानू जो मैंने कि इंग्रेज सरकार विरोध में ब्रिटिश शासन विरोध में तीव्र स्वर उत्तोलन करते अवश्य इतिहास जदिओ सेतटा परिचय दे पारिना किंतु केन्द्र सरकार जिते बड़े देश स्वाधीनतार 75 वर्ष पालन करुच्ची तो स्वतंत्र भाव में सम्मानित करने योजना करिछंती एवं तार आधार हो लफाफा डाक विभाग जो लफाफा प्रचलन करथाय से लफाफा रे ए स्वाधीनता संग्रामी मानकर फोटो रहिबो नुआ दिल्ली वर्चुअल मोड रे केन्द्र शिक्षामंत्री धर्मेन्द्र प्रधान एवं दूरसंचार मंत्री अश्विनी वैष्णव उपस्थित रही ये कार्यक्रम को ये लफाफा को उन्मोचन करेंगे एवं जो माने ये 6 जन विशिष्ट स्वाधीनता संग्रामी वंशज रही सहित आलोचना करेंगे कथा हे ये 6 स्वाधीनता संग्रामी जहाँ ना ओडिशार घरे घरे परिचित बक्सी जगबंधु जय राजगुरु शहीद बाजी राउत चक्रा विषोई पार्वती गिरी ये एवं चाखी खुंटिया ये समस्त वीर योद्धा जो माने जो मानक आज जो मानक सम्मानार्थे ये स्वतंत्र कार्यक्रम आयोजन करा जाई आमे तार सीधा चित्र आपण को देखेबो एवं जिते बड़े से स्वाधीनता संग्राम मानक दायद मानक सहित कथा हे दुई केन्द्रमंत्री तो से आलोचना आपण सामना को आम आणबु तो ओडिशा माटीर वीर स्वाधीनता संग्रामी मानक सम्मानार्थ ये स्वतंत्र कार्यक्रम डाक विभाग पक्षर एक कार्यक्रम आयोजन करा जाई तो केन्द्र सरकार जिते बड़े देशर स्वाधीनतार 75 वर्ष अवसर में आजादी अमृत महोत्सव पालन करुछंती वीर स्वाधीनता संग्रामी मानक सम्मान देवाक भूलिना जो मानक इतिहास जी गुरुत्वर सहित स्थान दवा कथा से स्थान सेना किंतु केंद्र सरकार सेवान को स्वतंत्र भाव में सम्मानित करने योजना करते जाणिंजे जिते बड़े सारा देश में 1857 मसीह पाइक विद्रोह आरंभ करागला एवं इतिहास सेटा को देशर प्रथम स्वाधीनता संग्राम बोली आख्या किंतु तार ढेर वर्ष पूर्वर ओडिशार वीर पाइक माने इंग्रेज शासन विरोध में स्वर उठाई सशस्त्र संग्राम करते जहाँ को केन्द्र मोदी सरकार मान्यता देते सम्मानार्थे खोर्धा जिले में एक स्मृति चिन्ह से उन्मोचन पाइक विद्रोहर तो एवं ताकु केन्द्र सरकार स्वतंत्र भाव में मान्यता देते पाठ्यपुस्तक से मानकर विशेष स्थान पाई आमे जदि नजर पकाइबा से महान युद्धमानक संपर्क रे बक्सी जगबंधु होंतु जय राजगुरु पार्वती गिरी जहाँ को ओडिशार मदर टेरेसा कहा जाए चाखी खुंटिया जे कि 1857 पाइक विद्रोह सभा रे झांसी राणी लक्ष्मीबाई सहित मिसिकी इंग्रेज सरकार को इंग्रेज सरकार निद हजाई देते इंग्रेज सरकार शेष पर्यंत धरी पारे ना पुरीर चाखी खुंटिया जहाँ को चंदन हजूरी भाव में परिचित से परी आम जो देखा शहीद बाजी राउत मात्र 12 वर्ष बालक इंग्रेज
सरकार गुड़ी को भ्रुक्षेप कर छाती पतई देले किंतु डंगा खुलिले ना ब्रिटिश सेना को पार करेले ना बार वर्ष शहीद हो गले चकरा विषयी कंधमानंकर नेतृत्व नहीं इंग्रेज ब्रिटिश फौजर निद हजाई जो चकरा विषयी ए समस्त को आज स्वतंत्र भाव सम्मानित करा समस्त सम्मानार्थे स्वतंत्र लफाफा उन्मोचन डाक विभाग पक्ष जहाँ को उन्मोचन करेंगे केन्द्र शिक्षा मंत्री धर्मेन्द्र प्रधान एवं दूरसंचार मंत्री अश्विनी वैष्णव। तो अब मैं नमन निवेदन करती हूँ श्री सुवेंद्र स्वयं जी से जो कि चीफ पोस्ट मास्टर जनरल है उज्जैन सर्कल के कि आप हम सबको संबोधित करें। The Minister of Education and the Minister of Skill Development and Entrepreneurship, Government of India, respected Honorable Sri Ashwini Vaishnavji, the Minister of Railways, Communications and Electronics and Information Technology, Government of India, respected Sri Vinit Pandey, Secretary of Department of Posts and Chairman of Postal Services Board, respected Sri Alok Sharma, Director General, Department of Posts, respected relatives and trustees of the heroes of freedom fighters of our country, whose contributions we are going to celebrate today by release of special covers. These special covers are philatelic collectibles and printed limited edition. For the sake of this gathering, few words about our heroes. Parvati Giri, born in a village in Western Odisha in 1926, she actively was involved in Quit India movement at the age of only 16. She devoted her entire life for the welfare of the poor and the downtrodden. She is hailed as Mother Teresa of Odisha. I welcome and thank Sri Bharat Kumar Giri, second generation nephew of Parvati Giri, for joining us today. Shahid Baji Raut. Baji Raut, Shahid Baji Raut. Baji Raut, the youngest martyr of freedom struggle in India. He was born in Nilakanthapur village in Dhenkanal district. Refused to carry the Britishers across the river in a boat on 11th October 1938 and was shot dead on the spot. He was only 12 years old. I welcome and thank Sri Kulamani Raut, second generation nephew of Shahid Baji Raut, to join this celebration. From Bekana. Jai Rajguru. As the regent of Minor King Mukund Dev II of Kurda, Jai Krishna Mahapatra or Jai Rajguru had raised a large army of bikers who are also known as warriors in the first decade of 19th century, which later on inspired a whole generation to raise voice and stood up to the Britishers. I welcome and thank Sri Dayanand Mahapatra and Sri Sridev Nanda from Delhi, sixth generation great grandson lineage, for joining us on this occasion. I like to welcome Sri Dayanand Mahapatra in our office. Chakra Bisoi. Chakra Bisoi was the legendary tribal leader who spearheaded many rebellions against the British rule during the first half of 19th century. I welcome and thank Sri Jagabandhu Jena, President Chakra Bisoi Cultural Academy, for joining us for this celebration. बक्सी जगबंधु विद्याधर महापात्र ब्रह्मबर राय पॉपुलरली नोन एज बक्सी जगबंधु लेड द पाइक रिवेलियन ऑफ 1817 इन ओडिशा। ही वाज द मिलिटरी कमांडर। आई वेलकम श्री ललितेंदु विद्याधर महापात्र ऑनरेबल एमएलए ब्रह्मदेव कॉन्स्टिट्यूएंसी सिक्स्थ जनरेशन ग्रेट ग्रैंडसन ऑफ बक्सी जगबंधु फॉर जॉइनिंग अस ऑन दिस ओकेजन। In 1857, Sri Chandra Hajuri,
better known as Jaffy Kuntia, sacrificed his life being part of Sipahi mutiny in Odisha. He was born in a temple servitor family in Puri in the year 1827. I welcome Sri Hajuri Bhimsen Kuntia, fourth generation great grandson lineage of Jaffy Kuntia, for joining us on this memorable day. Volumes can be told about all of these heroes. For the passage of time, I like to limit the eulogies, but it is a privilege to mention that I have grown since my lower primary school days reading and listening to the stories of their sacrifice and bravery. They figure in the history books of school curriculum in Odisha. It has inspired generations. It is a proud moment to be associated with the release of these philatelic collectibles of our heroes. Thank you. नमस्कार। शुभेंदु बाबू आपण को मोर सब मु धर्मेन्द्र कहूँ आपण को मो स्वर शुणा जा स्वतंत्र संग्राम परिवार सबू बंधु मानक नमस्कार एटी मु आ मोर बंधु अश्विनी बाबू एकाठी अच्छु यहाँ आम समस्त सौभाग्य ये प्रकार छह जन महापुरुष और महीयसी महिला परिवार रो सदस्य मानक संगरे तंग दायद मानक संगरे दिल्ली रु बसिकी किए ढेंकानाल अच्छी किए आस्कार अच्छी किए भुवनेश्वर अच्छी किए पुरी रे अच्छी किए दिल्ली रे अच्छी किए बरगढ़ रे अच्छी ये सबू जगार टेक्नोलोजी मध्यम आम कथबार्ता हो पार्टी विमन ना नमस्कार भल अच्छा आप जय जगन्नाथ आप दि शब्द कहतु केमती अच्छा आप खुशी आज आज चाकी खुंटिया ना भारत सरकार तरफ डाक विभाग तरफ डाक टिकट समर्पित करा माध्यम रे पूरी रो सबू लोक मानी एटा सम्मान ओडिया लोक सम्मान आपण मैंने खुशी अच्छा तो दयानंद बाबू नमस्कार आपण भुवनेश्वर रे शुभेंदु बाबू सह अच्छा आमर आद्य पुरुष जय राजगुरु ना आज ये श्रीदेव बाबू आम संगे जोड़ी अच्छा आपण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को धन्यवाद दिंतु अश्विनी वैष्णव को धन्यवाद दिंतु से डाक विभाग मंत्री हेपर बहुत धन्यवाद बरगढ़ रे भरत गिरी संगे कथा भरत बाबू जुहार भरत बाबू भरत बाबू आप आश्रम सब अच्छा के ना घरे ऑडियो प्रॉब्लम हो बक्सी जगबंधु दायद ललितेंदु विद्याधर महापात्र एमएलए ब्रह्मगिरी बेबी भाई नमस्कार केमती अच्छा आप ये कार्यक्रम को सब ब्रह्मगिरी अंचल लोक देखुं ना ना स्कूल
ସେତେବେଳେ ମୋତେ ମୋର ନିଜର ସହପାଠୀମାନେ ମଧ୍ୟ ଜାଣିନଥିଲେ ଯେ ମୁଁ ଏଭଳି ଗୋଟିଏ ବଂଶଧର ବୋଲି ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି ଆଜି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କୁ ଯେ ସେ ଅନସଙ୍ଗ ହିରୋଜ ଓଡ଼ିଶାର ଅନସଙ୍ଗ ହିରୋଜଙ୍କର କଥାକୁ ବୀରତ୍ୱକୁ ଆଜି ଲୋକଲୋଚନକୁ ଆଣିପାରିଛନ୍ତି ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ପରିବାରକୁ ଆଜି ସମ୍ମାନିତ କରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଅନେକ ଅନେକ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି ଏବଂ ଆପଣଙ୍କୁ ଏବଂ ଅଶ୍ୱିନୀ ବାବୁଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ଧନ୍ୟବାଦ କି ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରଚେଷ୍ଟାରେ ଓଡ଼ିଶାର ଏଇ ଅନସଙ୍ଗ ହିରୋଜ ମାନେ ଆଜି ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ଚିର ପରିଚିତ ହୋଇପାରିଛନ୍ତି ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ରେକଗ୍ନେସନ୍ ପାଇବାର ହକଦାର ଥିଲେ ଆଜି ତାଙ୍କ ପରିବାର ସେ ରେକଗ୍ନେସନ୍ ପାଇପାରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆପଣ ଦୁଇଜଣଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଏଠି ଜଗବନ୍ଧୁ ଜେନା ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ଚକରା ବିଷୋଇ କଲଚରାଲ ଏକାଡେମୀ ଭଞ୍ଜନଗରର ଏଠି ଉପସ୍ଥିତ ହେଲେ ଆସ୍କା ଡିଭିଜନରେ। ଜଗବନ୍ଧୁ ବାବୁ ଭଲ ଅଛନ୍ତି? ଆପଣ ଶବ୍ଦ ଶୁଣା ଯାଉନି, ଆପଣ ଅଛନ୍ତି କେମିତି? ନମସ୍କାର ଜଗବନ୍ଧୁ ବାବୁ। ନମସ୍କାର ନମସ୍କାର, ଭଲ ଅଛନ୍ତି? ଆଜି ସବୁ ଖୁସି ଗାଁ ଅଞ୍ଚଳରେ? ଆଜି ଆମେ ବହୁତ ଖୁସି ଆଦିବାସୀ ନେତା ଥିଲେ, ଯିଏକି 15 ବର୍ଷ ଧରି ଇଂରେଜମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଲଢେଇ କରି ଜନ୍ମଭୂମି ପ୍ରତି ତାଙ୍କର ଆଗ୍ରହ ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ। ଆଜି ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଡାକ ଟିକେଟ ସ୍ପେଶାଲ କଭର ପ୍ରଚଳନ କରିଥିବାରୁ ଆମେ ଆଜି ବହୁତ ଖୁସି। ଯଦି ସେମାନଙ୍କର ପରିବାର ଥାନ୍ତେ, ପରିବାର ବର୍ତ୍ତମାନ କେହି ନାହାନ୍ତି କିମ୍ବା ବଂଶଧର କେହି ନାହାନ୍ତି, ଆମେ ଯେହେତୁ କଲଚରାଲ ଏକାଡେମୀ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରି ତାଙ୍କର ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର କରୁଛୁ। ଆଉ ଯଦି ସେହିପରି ପରିବାର ଥାନ୍ତେ ଆଜି ବହୁତ ଖୁସି ହେଇଥାନ୍ତେ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଆଜି ଅଞ୍ଚଳବାସୀ ବହୁତ ଖୁସି। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଏବଂ ଡାକ ବିଭାଗକୁ ମଧ୍ୟ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଉଛୁ। ଧନ୍ୟବାଦ ଜଗବନ୍ଧୁ ବାବୁ। ଏବେ ଆମେ ଯିବା ଢେଙ୍କାନାଳ, କୁଳମଣି ରାଉତ ପୁତୁରା ଆମର ଶହୀଦ ବାଜି ରାଉତ, ସବୁଠୁ କମ୍ ବୟସରେ ପ୍ରାଣ ବିସର୍ଜନ କରିଥିବା ବାଜି ରାଉତଙ୍କର ପରିବାରର ବନ୍ଧୁମାନେ ଏଠି ଅଛନ୍ତି। କୁଳମଣି ବାବୁ ନମସ୍କାର, ଢେଙ୍କାନାଳର ବନ୍ଧୁମାନେ ଶୁଣିପାରୁଛନ୍ତି? ଭଲ ଅଛନ୍ତି? ପୋର ଦିନ ଗାଁରେ ଭଲ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହେଲା? ପୋର ଦିନ 11 ଅକ୍ଟୋବର ଦିନ ବାଜି ରାଉତଙ୍କର ଶହୀଦ ଦିବସ, ସେଦିନ ଗାଁରେ ତାକୁ ଭଲ କି ପାଳନ କରାହେଲା? ଆଜି ଏସବୁ ଖବର ଶୁଣିକି ଆମ ଢେଙ୍କାନାଳ ଜିଲ୍ଲାରେ ଭୁବନ କାମାକ୍ଷା ପର୍ଯ୍ୟଗ ଅଞ୍ଚଳରେ ଏହାର ବଡ଼ ଆନନ୍ଦ ହେଇଥିବ ନା ନାହିଁ? ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଆପଣଙ୍କୁ। ଏଇଠି ମୋର ସାଙ୍ଗରେ ଦିଲ୍ଲୀରେ ଶ୍ରୀଦେବ ବାବୁ ଅଛନ୍ତି। ଶ୍ରୀଦେବ ବାବୁ ବି ନମସ୍କାର ନମସ୍କାର କୁଳମଣି ବାବୁ। ଶ୍ରୀଦେବ ବାବୁ ଆପଣଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତି ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଉତ୍ସାହଜନକ। ଆପଣ ଆଜି ଦିନରେ 2 ଶବ୍ଦ କିଛି କହିବେ? ଉପସ୍ଥିତି ଦିଲ୍ଲୀ ମେ 2000 ଔର ତବ ସେ ହମ ହମେଶା ପ୍ରୟାସ କିଏ ହେ ଡାକ ବିଭାଗ ସେ ବି ଅନୁରୋଧ କିଏ ହେ କି ଐସେ କମର ଶେଖ କେ ଉପର ଏକ ଡାକ ଟିକେଟ ବନାଯାଏ। ଅବ ଆଜ ଓ ହମାରି ଚାହତ ଔର ସପନା ପୁରା ହୁଆ ହେ। ଇସକେ ଲିଏ ହମ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଜୀ ଭାରତ କେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଔର ଉନକେ ଆକ୍ଚୁଆଲି କାର୍ଯ୍ୟ କରନେ ବାଲେ 2 ମନ୍ତ୍ରୀ ଓଡ଼ିଶା କୁ ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରନେ ବାଲେ 2 ମନ୍ତ୍ରୀ
और ये हमारे सौभाग्य है कि भारत सरकार की जो सोच की अमृत महोत्सव के अवसर पर देश के विभिन्न प्रांतों के जो अज्ञात स्वतंत्रता संग्रामी थे, शहीद थे, उनके बारे में ये ऐसा एक कार्यक्रम किया जा रहा है। इसका सारा श्रेय प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी और हमारे अश्विनी वैष्णव जी जो विभाग के मंत्री और डाक विभाग के सचिव और डीजी साहब सबको मैं आज कृतज्ञता ज्ञापन करता हूँ और यही कामना करता हूँ कि जो आदर्श, जो बलिदान, जो त्याग के बदौलत आज हम आजादी की सांस ले पा रहे हैं, उसके लिए उन आदर्श और वो जो विरासत को हम आगे कायम रख पा रहे हैं और जो पीढ़ी आगे वाले आने वाले वो उसमें अनुप्राणित है वो, तो ये कार्यक्रम जारी रहे और हमारा देश और आजादी सुरक्षित रहे, इसके लिए सबको धन्यवाद। कुछ शब्द उड़ीसा में थे, उड़िया भाषा में थे, मुझे लगता है कि घाव सर्वप्रिय माननीय मंत्री महोदय को मोर एक अनुरोध अछि कि के सब सुजोग मिलबो कि कया पई के कोड कोड कोछु ने अपन हां दिबे महापात्र कोछुंदी माननीय मंत्री आ गया हां कोंत आ गया दयानंद कोंत आ गया आज ही भली गोटे गोटे माने अपहास्तमी भली एक पर्व अर्थात शारदीय अभिनंदन आपमानको जणौछु एवं आपमानको सहित डाक विभाग समस्त अधिकारी उपस्थित थिबा समस्त शहीद वृंद तकर परिवार वृंद एवं ता सहित हमर मीडिया पाप भाई माने और इतकी कहवा कथा जे माननीय प्रथम तरह पाई माननीय नरेंद्र मोदी को डाकी आम मानको दायक मानको गोटे जगार एकत्रित कर आम मानको गोटे स्वीकृति प्रदान कर भारत वर्ष चरित्र को आम मान प्रतिष्ठा को प्रतिपादन करमेन्द्र प्रधान अवदान अतुलनीय परिप्रेक्षी में डाक टिकट उन्मोचन माननीय प्रधानमंत्री आसते मत सेकेंड समय मिलवा भितर यह अनुरोध करी आज माननीय मंत्री महोदय आज ये कार्य को सफल सहित कर सारी एपाई प्रत्येक परिवार शहीद परिवार अर्थात शहीद जयराजगुरु वंशधर हिसाब से समस्त वंशधर एवं सहित जन्ममाटी वीर हरिकृष्णपुर प्रत्येक आवाण बुद्धमणि तरफ मुझे अभिनंदन जनाऊँगी एवं आपके कृतज्ञता ज्ञापन करोध कर शिक्षा मंत्री महोदय को यही पाठ्यक्रम जदि आम सर्वभारतीय स्तर में अनुष्ठान मध्यम एनसीईआरटी मध्यम परिचालित पुस्तक अनुरोध कर नाम समस्त को धन्यवाद। भाषा कोई भी हो हमारे शास्त्र में भाव को सर्वप्रिय बताया गया है। जैसे कि आठवें दिन अष्टमी के दिन हम माँ दुर्गा की अर्चना करें किसी भी भाषा में करें लेकिन भाव अगर है तो सब सही है। और आज के बाद मुझे लगता है ये नामक्लेशर ये गुमनाम वाला नामक्लेशर बदल जाएगा क्योंकि आज हमने इन छह हीरोज को इन छह शहीदों को लिमिटेड एडिशन या फिलैटली कलेक्शन में कैद कर लिया है। ये भी खूबसूरत कैद है जो कि आगे चल कर अमर बना रही है बना चुकी है। हमने इन शहीदों को चेहरा दिया नाम दिया और हम बहुत सौभाग्यशाली अपने आप को मानते हैं।
Now we will be releasing the six special covers of the six that use the word so-called forgotten heroes of the freedom struggle of Odisha. Parvati Giri ji, Shaheed Baji Rao ji, Jai Rajguru ji, Chakra Bisoi ji, Baksi Jagbandhu ji aur Chahi Kulitya ji. तो मैं अनुरोध करती हूँ माननीय संचार मंत्री श्री अश्विनी वैष्णव जी से कि हमारे इन श्रेय विशेष आवरण का विमोचन करें और पहला विशेष आवरण हमारे मुख्य अतिथि माननीय शिक्षा मंत्री श्री धर्मेंद्र प्रधान जी को प्रदान करें। A word about our patriots. पार्वती गिरी का जन्म वर्ष 1926 में उड़ीसा के संबलपुर में हुआ था। केवल 16 साल की उम्र में वो भारत छोड़ो आंदोलन में सक्रिय रूप से शामिल थी। स्वतंत्रता संग्राम में भाग लेने और बगड़ में एसडीओ के कार्यालय पर हमला करने के लिए उन्हें संबलपुर जेल में 2 साल की कैद हुई। पार्वती गिरी ने आजादी से पहले और बाद के युग में गरीबों और दलितों के कल्याण के लिए अपना जीवन समर्पित किया। बात करते हैं श्री बाजीराव जी की। भारत के स्वतंत्रता संग्राम में सबसे कम उम्र के शहीद बाजीराव का जन्म भीकानाल जिले के नीलकंठपुर गांव में हुआ था। अपने छोटे से जीवन में उन्होंने जनता आंदोलन और ब्रिटिश सेना का अत्याचार को देखा। और अब हम now we ask the honorable minister present the collection of Mr. of Chakra Bisoi ji and Chakra Bisoi Baksi Jagbandhu ji हमारे शहीद Chakra Bisoi महान सरदार हैं। आप पढ़ते जाओ चक्र विषय का पढ़ते जाओ। मेरे ख्याल से हमारे विशा से चीफ पोस्ट मास्टर जनरल साहब ने काफी इनके बारे में बता दिया था। और अब चाकी खुंटिया जी और बक्सी जगबंधु जी, इन दोनों को भी हमने इस खूबसूरत कैद में कैद कर लिया है। फिलेटली कलेक्शन स्पेशल जोरदार तालियां हो जाए नमन करते हुए और उनको एक चेहरा देते हुए उनको याद करते हुए उनके प्रति हम इन सब के प्रति हम कृतज्ञता का भाव व्यक्त करते हैं। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। माननीय संचार मंत्री श्री अश्विनी वैष्णव जी से अनुरोध करती हूँ कि कृपया कुछ शब्द कहें आप सबको संबोधित करें। भारत सरकार रो शिक्षा और कौशल्य विभाग रो मंत्री मो बड़ो भाई श्री धर्मेंद्र प्रधान महोदय, उपस्थित पुरी एमएलए श्री जयंत कुमार सारंगी महोदय, एमएलए ब्रह्मगिरी श्री ललितेंदु विद्याधर महापात्र महोदय, उपस्थित उड़ीसार विभिन्न अंचल रे आम सहित जोड़ी थिबा श्रीजुक्त भरत कुमार गिरी महोदय, कुलमणि राउत महोदय, दयानंद महापात्र महोदय, मो आम सांगरे एठी दिल्ली रे बसी थिबा श्रीदेव नंद महोदय, जगबंधु जेना महोदय, हजूरी भीमसेन खुंटिया महोदय, मेरे साथी सेक्रेटरी श्री विनीत पांडे जी, डीजी पोस्ट श्री आलोक शर्मा जी, सीपीएमजी उड़ीसा शुभेंदु स्वाई जी, उड़ीसा सरकार रो सेक्रेटरी टूरिज्म और अन्य सब ऑफिसर माने समस्त को मोर बहुत बहुत नमस्कार। आज शारदीय अभिनंदन आपण मान को समस्त को। आज दुर्गा पूजा नवरात्रि शुभ दिन सहित आउ गोटे अति शुभ दिन फिलाटेली दिन, फिलाटेली दिन माने आज डाक संग्रह दिन। आम मैंने जितेबले पिला थिलु सान स्कूल रे जाऊ सेतेबले जहाँ किछि भी डाक टिकट मिलुथिला से डाक टिकट को आम रखुथिलु गोटे एल्बम हरिका करुथिलु सेही स्पिरिट को किपरि भाव रे सबुआडे पहुँचाइबा से दिन मध्य आज। तो फिलाटेली शारदीय अभिनंदन और दुर्गा पूजा सबू एकाथर आपण मानको अभिनंदन। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी आम भारत वर्षर इतिहास रे ए भली जणे लीडर जे कि प्रथम थरे
जहाँ भी आम विभिन्न अंचल विशेषकर ओडिशा रे संस्कृति आमर स्वतंत्रता आंदोलन जहाँ आमर भाषा आमर नेचर आमर टूरिज्म ये सब जिनस को एत प्राधान्य जे जहाँ आज सुधा कहीं देन से विषय आज अति महत्वपूर्ण गोटे कार्यक्रम आम आज आम कर महाप्रभु जगन्नाथ पवित्र भूमि रे जो वीर मैंने जन्म नहीं थे जहाँ भारत स्वतंत्रता आंदोलन तांकर कंट्रीब्यूशन थिला से कंट्रीब्यूशन को विश्व सारा जानिबा कथा देश सारा समस्ते जानिबा कथा आज जुगर जे पिला माने आज पाठ पढ़ुछंती से माने मध्य जानिबा कथा कि बली भाव रे आपण भावंतु जे जणे 12 वर्षर पिला केते साहस थिबो जो साहस रे से अंग्रेज मानन को सहित लड़िकी निज प्राण बलिदान करथिले कि बली भाव रे सेही समय रे बक्सी जगबंधु पाइक संग्राम रो प्रणेता किभली भाव रे से बेले ऑर्गेनाइज करथिबे जय राजगुरु जहाँ जिते जहाँ असुविधा थिला जेभली भाव रे परिस्थिति थिला से परिस्थिति रो सामना करी अंग्रेज मानक विरोध रे गोटे आंदोलन तैयारी करिबा चाखी खुंटिया जे कि महारानी लक्ष्मीबाई सहित जाकि लड़ी थे अमर शहीद बाजी राउत पार्वती गिरी चक्र विषयी जो मान को आम जिते परिणाम जिते मात्रा रे जानिबा कथा से मात्रा रे जानिबा को हेले माननीय मोदी जी को धन्यवाद देवा आम समस्ते जे कि आम ओडिशार गौरव को आज विश्व गौरव करिछंती विशेष धन्यवाद देवी मोर अति सम्मान्य बड़ भाई श्री धर्मेन्द्र प्रधान महोदय को से ओडिशार यही गौरव को यही भाव रे समस्त सामने रे रखिबार जहाँ प्रेरणा देले से प्रेरणा रे आमर विभाग काम करी आज स्पेशल कवर्स आउ डाक टिकट रो व्यवस्था कला अति खुशीर कथाटा जे आम ओडिशार संस्कृति आम ओडिशार इतिहास विषय रे आज देश सारा गोटे मेसेजटा गला सबुआड़े पहुँचुची ओडिशार वार्ता ओडिशार महात्म्य सब जगह पहुँचुची तो मु निवेदन करी जे आमे सबुदिने आम संस्कृति रे गर्व रखिबा कथा मु सेतिकि निवेदन करी आ विशेष करी जे माने आम ओडिशारो बाहरे काम करिबा पई भाई माने जाउथिबे से मानकु मोर निवेदन जे निज भाषा निज संस्कृति निज इतिहास याकु आपण निज सांगरे रखंतु नेक्स्ट जनरेशन को निश्चित भाव पिला माननकु भाषाटा निश्चित भाव सिखातु जमी से भूली न जाशारू बाहर जमी निज भाषा निज संस्कृति को मन रखिए से भाई प्रयत्न करवा आम समस्ते कथा मोर से नवेदन आउ थे अमर शहीद मान को बहुत बहुत नमस्कार करुच्ची नमन करुच्ची अभिनंदन करुच्ची आ महाप्रभु जगन्नाथ पवित्र भूमि आउ थे नमन करुच्ची अभिनंदन करुच्ची आपण मान शारदीय अभिनंदन करुच्ची नमस्कार जय जगन्नाथ आज से ओडिशा में सिर्फ इसकी पावन भूमि पर जो पूरी फेस्टिवल होता है पूरी का त्यौहार मनाया जाता है जगन्नाथ जी का सिर्फ उसके लिए नहीं जाना जाएगा बल्कि आज जो हम बात कर रहे हैं सो कॉल्ड फॉरगॉटन हीरोज की उनके लिए भी जाना जाएगा ऐसे ही नहीं स्वामी विवेकानंद ने कहा था कि संसार का इतिहास उन थोड़े से व्यक्तियों का इतिहास है जिनमें आत्मविश्वास था ये विश्वास अंतस्थित देवत्व को ललकार कर प्रकट कर देता है तब व्यक्ति कुछ भी कर सकता है सर्व समर्थ हो जाता है तभी होती है जब तुम अंदरूनी अमोघ शक्ति को अभिव्यक्त करने का यथेष्ट प्रयत्न नहीं करते जिस क्षण व्यक्ति या राष्ट्र आत्मविश्वास खो देता है उसी क्षण उसकी मृत्यु आ जाती है ऐसा कहा था स्वामी विवेकानंद ने और अब मैं नवी निवेदन करती हूँ हमारे मुख्य अतिथि श्री धर्मेंद्र प्रधान जी से माननीय शिक्षा मंत्री कि आप कुछ शब्द आज के कार्यक्रम की मुख्य अतिथि भारत सरकार के रेलवे
आईटी टेलीकम्युनिकेशन जिसके अंतर्गत पोस्टल डिपार्टमेंट भी आता है, इसे मंत्री मेरे मित्र मेरे भाई परम आदरणीय अश्विनी वैष्णव जी, पोस्टल डिपार्टमेंट के सचिव आदरणीय विनीत पांडे जी, पोस्टल डिपार्टमेंट के डायरेक्टर जनरल श्री आलोक शर्मा जी, उड़ीसा में दो स्थान पे भुवनेश्वर तथा पुरी में उपस्थित दो विधायक मित्रदेव आदरणीय ललितेंदु महापात्र जी, आदरणीय जयंत षडंगी जी, स्वतंत्रता संग्राम परिवार के सदस्य पार्वती गिरी जी के परिवार से सदस्य भरत कुमार गिरी जी, चक्रा विशोई जी की स्मृति में आगे काम करने वाला विशोई चक्रा विशोई कल्चरल एकेडमी की प्रेसिडेंट जगबंधु जेना जी, चाकी खुंटिया जी के परिवार के आदरणीय हजूरी भीमसेन खुंटिया जी, शहीद बाजी राउत जी के संपर्क में संपर्कीय आदरणीय कुलमणि राउत जी, जय राजगुरु जी के परिवार के दयानंद महापात्र जी, त्रिदेव नंद जी तथा उड़ीसा की सीपीएम जी आदरणीय शुभेंदु स्वाई जी, दिल्ली तथा उड़ीसा की विभिन्न स्थान पे उपस्थित भाई और बहनों, अधिकारी मित्रगण, मीडिया के मित्रगण, मैं सभी को आज के इस पवित्र अष्टमी की शुभ अवसर पे सबको माँ दुर्गा के सामने प्रार्थना करता हूँ, सबको आशीष मिले। 21वीं सदी में जब हमारी देश की आज़ादी का हम 75 साल मना रहे हैं, उसी शुभ अवसर पे इस बार दशहरा और मंगलमय हो हमारी प्रांत, हमारी देश और मानवता, और स्वस्थ रहे, कुशल रहे। कोरोना से धीरे धीरे हम लोग बाहर निकल के आ रहे हैं। इसी शुभ अवसर पे मैं आप सभी को आभार प्रकट करता हूँ। विशेष करके मैं आज दो तीन नाम लेना उचित मानता हूँ। उड़ीसा की ओर से माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी अगर आज देश की बागडोर ना संभालते, शायद फिर हम वो भी पुराने गाना गाते कि इस देश की आज़ादी दो तीन परिवार के लोगों ने लाया था, जबकि लड़ाई 250 साल की है, 200 साल की है। आज मैं मोदी जी को धन्यवाद देते हुए विशेष करके पोस्टल डिपार्टमेंट को धन्यवाद देता हूं। और मैं आज देख रहा था जय राजगुरु जी की फर्स्ट डे कवर के पीछे आपने एक चलती हुई डिक्शनरी छपा दिया कि ये लड़ाई 1806 में हुई थी, यानी लगभग आज से 215 साल पहले। श्रेय मोदी जी को जाता है। ऐसे ही बख्शी जगबंधु जी के नेतृत्व में देश की पहला आजादी की लड़ाई 1857 से 40 साल पहले 1817 में पवित्र उत्कल भूमि में हुई थी, उड़ीसा की भूमि में हुई थी। ऐसे ही ट्राइबल लीडर आदिवासी जननेता चक्रा बिसोई जी ने दशकों तक अंग्रेजों को उड़ीसा की ट्राइबल इलाका में, कंधमाल इलाका में, घुमसर इलाका में घुसने नहीं दिए, ऐसे एक पराक्रमी लड़ाई उन्होंने लड़ा था। 1857 की ये 1857 की तीन चरित्र मैंने बताया। 1857 की लड़ाई में उड़ीसा भी पीछे नहीं था। रानी झांसी के साथ, लक्ष्मीबाई जी के साथ उड़ीसा की सुपुत वीर चाकी खुंटिया जी, जिनके परिवार को आज हम सम्मानित किए, वो भी उनकी आज एक फास्ट डे कवर हुई। और मेरे लिए तो अत्यंत व्यक्तिगत सौभाग्य के दिन है, शहीद बाजी राउत जी के ऊपर आज फास्ट डे कवर
पोस्टल डिपार्टमेंट ने निकाला। संजोग देखिए आज 13 अक्टूबर है, दो दिन पहले 11 अक्टूबर को बाजी राउत जी की कुछ साल पहले भारत की प्रसिद्ध क्रिकेट खिलाड़ी वीरेंद्र सहवाग जी ने एक ट्वीट किया था, नमन किया था दुनिया के सबसे यंगेस्ट रिवोल्यूशनरी को। 12 साल की उम्र में मेरे ही जिले में, मेरे गांव जिस नदी के किनारे आते हैं वैसे ही उसी नदी के किनारे थोड़ा नीचे, मेरे गांव से थोड़ा 50-60 किलोमीटर समुंदर की ओर नीचे, एक बालक 1938 में पराक्रम दिखाता है कि मैं अंग्रेजों को नाव में इधर से उधर नहीं करूंगा, गोली ले लेता है शरीर पे, छाती पे गोली ले लेता है, लेकिन अंग्रेजों के साथ समझौता नहीं करता है। वैसे ही पार्वती गिरी पश्चिम उड़ीसा के बरगढ़ जिले में अपने जिंदगी गुजारी, जन्म हुई, उस समय में भी उन्होंने कम उम्र में आजादी की आंदोलन में रचनात्मक कामों के साथ साथ अंग्रेजों के खिलाफ लड़ने की उन्होंने बीड़ा उठाई। 1926 में उनका संबलपुर में जन्म हुआ था। ऐसे 6 महापुरुष और महियसी महिलाओं की आज पोस्टल डिपार्टमेंट ने फास्ट डे कवर निकाला, इसकी श्रेय देश की लोकप्रिय जननेता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को जाता है। मैं उड़ीसा की ओर से उनका आभार प्रकट करता हूं। वैसे ही अगर आज, मैं कुछ दिन पहले भी कहा था, मैं इसकी श्रेय निश्चित रूप में उड़ीसा उसकी हकदार इसलिए बन पाया, लंबी विरासत तो हमारी पास है ही, ना केवल 200 साल की, हजारों साल की संग्राम उत्कल की भूमि में छुपा हुआ है। उत्कल की भूमि उसकी साक्षी है। मैं अश्विनी जी को आज इसीलिए विशेष आभार प्रकट करता हूं उड़ीसा की ओर से। आज उनकी गरिमामय उपस्थिति पोस्टल डिपार्टमेंट में 6-6 वीरों की, 6-6 महापुरुषों की एक साथ, आज कोरोना के कारण हम एक 4 दीवार के अंदर, हाँ ये एक अलग बात है, टेक्नोलॉजी के कारण आज हम दुनिया तक पहुंच पा रहे। आज उड़ीसा की संग्राम से जुड़ी हुई स्मृति शायद दुनिया के कोने तक जाता होगा, मैं मानता हूं आज शायद 50 से ज्यादा देश के लोग उसकी साक्षी बन रहे होंगे। लेकिन अच्छा होता इतना बड़ा काम लाखों लोगों के सामने आज ये समर्पित होता। मैं अश्विनी जी को फिर उड़ीसा की ओर से बधाई देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। उन्होंने उड़ीसा की मान रखा, उड़ीसा की, उनकी जो उड़ीसा ने उनको जो राज्यसभा में भेजा है उसकी उन्होंने सार्थकता की, उनको बहुत बहुत आभार। वैसे ही मैं पोस्टल डिपार्टमेंट की दो वरिष्ठ अधिकारी पांडे जी और शर्मा जी दोनों का आभार प्रकट करता हूँ। उनकी अगर प्रशासनिक मार्गदर्शन ना मिलता, आज इसकी जो मूल श्रेय में एक सज्जन को देना चाहूंगा, उड़ीसा की हमारी CPM जी आदरणीय शुभेंदु स्वाई, जिन्होंने इसको इतनी बड़ी हिम्मत की कि एक बार 6-6 वीरों की फास्ट डे कवर विभाग के सामने रखा और विभाग ने, पांडे जी ने और शर्मा जी ने उनको अनुमति दिया। मैं तीनों को उड़ीसा की ओर से आभार प्रकट करता हूं। आज उड़ीसा के लिए एक सौभाग्य का दिन है। बंधुगण, मु समस्त को आउथरे स्वागत करुछ आज कार्यक्रम रे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कृतज्ञता ज्ञापन करुछ ये महत काम पाई। ठीक से मन पकेले आमर मान्यवर श्री महापात्र जय राजगुरुंकर दायद जित 2017 रे दयानंद बाबू मन पकेले, आपण समस्ते जगबंधु बाबू मोर मन अच्छे आसीथिले। प्रधानमंत्री जेतेबेले ओडिशा आसीथिले राजभवन रे स्वतंत्रता संग्राम रो जो प्रथम लड़ई आमे ओडिया माने जहाँ पाई गौरवान्वित होंती, 1817 मसीहार लड़ई पाई जार प्रेरणा
आज भी लोमो टांकुरी उठिबो जेतेबेले जय राजगुरुंकर बलिदान कथा आमे पढ़िबा। आज जोटा खड़गपुर आईआईटी हेछि से पाखरे अमर मिदनापुर जिले रे आज तो पूर्व मिदनापुर पश्चिम मिदनापुर हो जाइछि सेतेबेले मिदनापुर जिला थिला मिदनापुर जिले रे हिजरी जेल रे से पाख पाख अंचल रे जय राजगुरुंकु ब्रिटिश माने ओडिया लोकंक मन भितरे भय तयारी करबा पई फासी देथिले केवल फासी दे नथिले हाथी लगे कि दुई फाळ करथिले उद्देश्य थिला ब्रिटिश क्रूरतार जे ओडिया लोक मानकु नतमस्तक करबा पराधीन करबा डर तयारी करबा किंतु तांगु झणा नथिला जे तार परे से माटीरू बक्सी जगबंधु भी थिले चक्रा विषय भी थिले चाखे खुंटिया जाए कि सर्वभारतीय स्तर में लड़ाई करथिले वीर सुरेंद्र साय माधो सिंह हाथी सिंह निर्मल मुंडा बाजी राउत डॉक्टर हरे कृष्ण महताब पवित्र मोहन प्रधान सारंगधर दास महेश सुबाहु सिंह ए प्रकार अनेक वीर थिले पार्वती गिरी पर्यंत गोपबंधु दास का पर्यंत जो माने ओडिशा रे स्वाभिमान और स्वतंत्रतार बन्ही को जली के रखी थिले जागृत कर रखी थिले आज आम समस्त सौभाग्य प्रधानमंत्री स्वतंत्रतार 75 वर्ष अवसर रे बंधुगण गोटे विधिवत भावे ये दयानंद बाबू मन पकाते शिक्षा विभाग पाठ्यक्रम आणवापी मोर सौभाग्य मो मो मुंडरे आपण मानकर आशीर्वाद अच्छी महाप्रभुंकर आशीर्वाद अच्छी प्रधानमंत्री विश्वास अच्छी ओडिया लोक मानकर भरोसा अच्छी आपण माने अपेक्षा रखुचंदी आकु पाठ्यक्रम आणिमा पई आज ये कथा को आज अवसर में मुझे उठेबापी चाहूँ जे स्वतंत्रतार 75 वर्ष पर भी जय राजगुरु को पाठ्यक्रम आणवापी आम दाबी उठाऊ पार्वती गिरी बाजी राउत चाखी खुंटिया चक्रा विषोई बक्सीर पराक्रम को पाठ्यक्रम अणा जाऊ या आमको दाबी करने पड़ू 75 वर्ष कौन होता यही माने कौन त्याग तपस्या बलिदान यही करें जे आम ताकु मने न पकेबा आम ताकु भूली जीवा बंधुगण दुर्भाग्यपूर्ण भावे जो मान हाथ में 1947 पर दायित्व रहिला सेमाने इतिहास को गोटे निर्दिष्ट चश्मा देखापी अपचेष्टा करले से आज श्रेय मुझे प्रधानमंत्री पाखे समर्पित करी प्रधानमंत्री निष्पत्ति कले अजणा अजणा संग्रामी मान को देश में विख्यात करने पड़ो से पाई डाक विभाग ये राष्ट्रीय कार्यालय रे केंद्रीय सरकार डाक विभाग राष्ट्रीय कार्यालय रे आज ओडिया जाति गौरवान्वित होउछ ये राष्ट्रीय महापुरुष मानको सम्मान जनउछि नरेंद्र मोदी का सरकार आगामी दिन रे मु निश्चित भावे दायित्व नउछ इंडियन काउंसिल ऑफ हिस्टोरिकल रिसर्च ICHR जे पाठ्यक्रम पूर्व प्रस्तुति तयारी करे ये केवल ओडिया लोक माने आमे तीन जन कहिदे जे बक्सी मोर दा बक्सी को आमे दायद बक्सी मो पई बड़ लड़े लड़ते जय राजगुरु बलिदान देते हाथी तंकु फाड़ी देता निजर जमी पाई नुहे निजर स्वार्थ पाई नुहे ओडिया जातिर ओडिया जगन्नाथ कर स्वाभिमान सुरक्षा पाई लड़े करते चक्रा विषोई जंगल लड़े कि ओडिया लोकंकर भारतीय लोक मानकर स्वतंत्रता पाई प्रहरी होते बक्सी प्रहरी होते वीर सुरेंद्र साय प्रहरी होते यार तथ्य आधारित प्रमाण को आज मो पाई सौभाग्य व्यक्तिगत भाव दिन होची इंडियन काउंसिल ऑफ हिस्टोरिकल रिसर्च ये 200-250 वर्ष स्वतंत्रता संग्राम को रिसर्च करें मुझे जे संत भीम भोईंकर वैश्विक दर्शन को मो जीवन पछे नरके पड़ी था जगत उद्धार हो ए प्रकार वैश्विक तत्व को भारत सरकार कर UGC विभिन्न विश्वविद्यालय चेयर प्रतिष्ठा करके पाठ पढ़ेबो रिसर्च करिबो
साहित्य छपेब विश्व दरबार आहरी प्रमाणित कर भाव आज मुझे मोर बंधु अश्विनी वैष्णव गोटे भल कम आरंभ कले अनसंग हीरो मानक उद्देश्य फास्ट डे कभर आज लोकार्पित कले मु समस्त ओडिया जातिर विशेष करके युव बंधु मानक कलेज जा पा मानू अनुरोध करी स्थानीय डाक विभाग 2000 फास्ट डे कभर छपे आमे सठिक श्रद्धांजलि तेबे हबो जेबे ये 20-20 हजार फास्ट डे कभर बिक्री हबो तेबे जाई के आमे लक्षे लोक जदि आकु किणिमे ताहले जाई के ओडिया जाति आमर महापुरुष मानकु सठिक श्रद्धांजलि देला बोली आमे मानिमा मु डाक विभाग को अनुरोध करी आमर ये जन आंदोलन रे मुझे आह्वान करुच्छे ओडिया युवक मानक नुआ पीढ़ी लोक मान पाख डाक घर को जातु डाक घर नुआ रूप नवा आरंभ कला डाक घरे पासपोर्ट मिलवा आरंभ कला डाक घर आगामी दिन में आम आधुनिक एकविंश शताब्दी आवश्यकता को पूरा कर गोटे नुआ पोस्टल बैंक रूप नेला आज भी आम स्वतंत्रता संग्राम को उज्जीवित कर जो गुरु दायित्व डाक विभाग नेला आपण मैंने जातु सेठी डाक टिकेट जगार फास्ट डे कभर किणवापी मागंतु 2000 नुहे 20 हजार लेखा छपे कि डाक विभाग बिक्री कर संभावना सृष्टि करतु मुझे आश्वस्त करुच्ची इंडियन काउंसिल ऑफ हिस्टोरिकल रिसर्च को दायित्व दिया ओडिशार ए प्रकार ये 6 जन केवल नुहे ए प्रकार अनेक स्थान अच्छी इरम अच्छी आमको सिमको अच्छी तालचेर अच्छी जो अंचल रे ब्रिटिश माने अत्याचार करथिले मोगल माने अत्याचार करथिले ओडिशा को पराधीन करिवा पई लड़े करथिले आम जाति लड़े करथिला या पई अनुसंधान करा जीवो रिसर्च करिवार आवश्यकता अच्छी इंडियन काउंसिल ऑफ हिस्टोरिकल रिसर्च ये काम करिवो नुआ पीढ़ी एतिरे जोड़ी हो या पछरे आसु मु पुनर्बार प्रधानमंत्री पूर्वोदय कल्पना को ओडिशार भौतिक प्रगति सह ओडिशार रेल रास्ता विमान सेवा गैस पाइपलाइन पेट्रोलियम प्रोडक्ट पाइपलाइन इंटरनेट लाइन सब गाँ गाँ को जीव बिजुली लाइन समस्त घर को बिजुली समस्त घर को एलपीजी कनेक्शन या सह ओडिया जाति मुबे के भावे बोधे स्वतंत्रता पर 75 वर्ष भितर सबुठ ओडिया प्रेमी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी हे ओापी जी काम ओडिशा सरकार पूरी मंदिर परिक्रमा काम आरंभ करे ये जयंत भाई अच्छा मुद्यम भीम नन्नाध्यम जनवाई चाहिए 15th फाइनेंस कमिशन रे भारत सरकार पूरी कोणार्क अंचल स्त्री वृद्धिपी टंकार व्यवस्था करवकले बे बेले प्रधानमंत्री दिल्ली रु प्रथम थर करी पूरी टंका पठे अमृत 2.0 आरंभ होशारे बौद्धिक जागृतिर एकविंश शताब्दी नुआ जुग मोदी समय आरंभ हो आज से भाया गोटे महत्वपूर्ण दिन रे अष्टमी रो शुभ संध्या रे ओडिया जाति तरफ पुनर्बार मु प्रधानमंत्री श्री अश्विनी वैष्णव पोस्टल डिपार्टमेंट राज्य तथा केन्द्र समस्त पोस्टल डिपार्टमेंट रो अधिकारी मानकु अंतर कृतज्ञता जनाउची ये भव्य ये भाववेग उत्पन्न करथुवा कार्यक्रम को सुचारू रूपे संचालन करथिवारु बहुत बहुत धन्यवाद वंदे उत्कल जननी जय जगन्नाथ आगे आएगा उधर कर आएगा जिसे हमें सख्त जरूरत है अपने बच्चों को देने के लिए जाते जाते मैं ये कह दूं कि ए देश ए माटी ममता मई माटी सिवाय तार जीवन देवा रखी वातार माटी सुजला सुखला श्यामला आमे जन माटी ए देश ए माटी कोई
बोलने में त्रुटि हो गई हो तो क्षमा कीजिएगा। बहुत बढ़िया बोले, एकदम परफेक्ट बोले। वीरेंद्र चंद्र रावत की इन पंक्तियों के साथ में आई रिक्वेस्ट आलोक शर्मा जी द डायरेक्टर जनरल डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट की आप औपचारिक रूप से धन्यवाद प्रस्ताव रखें। सर धर्मेंद्र प्रधान जी, ऑनरेबल यूनियन मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन स्किल डेवलपमेंट एंटरप्रेन्योरशिप, श्री अश्विनी वैष्णव जी, ऑनरेबल यूनियन मिनिस्टर ऑफ रेलवेज एजुकेशन ठिया गोटे फटो उठिक आज इनस्टाग्राम पकेबा आईटा को कहवा यूट्यूब अच्छे देव ये समस्ते किणत देखा जाए के लोग किणी मुमेंट खेल पार्टी को लगे जो मच लगे जहाँ सब पोस्ट अफिस धन्यवाद दि पोस्ट कार्ड। तो आप देखुले ये स्वतंत्र कार्यक्रम छ विशिष्ट स्वाधीनता संग्रामी सम्मानार्थे भारत सरकार का पक्षर डाक टिकेट एवं स्वतंत्र लफाफा उन्मोचन कर वीर योद्धा जो माने कि देशर स्वाधीनता संग्राम रे स्वतंत्र योगदान एम बक्सी जगबंधु जय राजगुरु चाखी खुंटिया चकरा विषोई पार्वती गिरी ये समस्ते महान निज निज स्तर रे महान योद्धा थिले इंग्रेज सरकार निद हजाई देथिले एवं सेमानंकु किंतु जो भली भाव रे इतिहास रे सेमानंकर ना रहिबा कथा जो स्थान मिलिबा कथा जो सम्मान मिलिबा कथा मिली पारि नथिला जहा कि जुगथा केन्द्रमंत्री धर्मेन्द्र प्रधान कहुतिले नरेन्द्र मोदी सरकार आसिबा परे ए काम को हाथ को नैथिले 1817 रे 1857 जहाँ कि प्रथम स्वाधीनता संग्राम बोली कहा जाए तार 40 वर्ष पूर्व ओडिशार पाइक वीर माने देशर प्रथम स्वाधीनता संग्राम लड़ी थे मान्यता दि जाइला आज पुणी थे 6 जन विशिष्ट स्वाधीनता संग्रामी जो माने कि देशर स्वाधीनता आंदोलन ने बड़ योगदान करते ओडिया वीर से मानक सम्मान सम्मानित कर स्वतंत्र लफाफा उन्मोचन मध्यम से परिवारवर्ग सहित आलोचना करते परिवारवर्ग को सम्मानित कर अवसर में केन्द्र शिक्षामंत्री धर्मेन्द्र प्रधान एवं संचार मंत्री अश्विनी वैष्णव उद्यम उपस्थित एक कार्यक्रम आयोजन होता तो समय हो कार्यक्रम को रखा नमस्कार।